नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS एकेडमी में। आज का डेट है 18th of October एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए सबसे पहला आज का न्यूज़ देख लेते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट ये पूरा PDF का जो डाउनलोडिंग लिंक रहेगा ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कमिकाजे ड्रोन के बारे में रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि रशिया जो है ना, इन कमिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन। जी हाँ, ये कमिकाजे ड्रोन ईरानियन मेड ड्रोन्स हैं, जिनकी कुछ कुछ अलग ही कैपेसिटी है। दैट इज, ये ड्रोन्स क्या होता है, ड्रोन्स क्या होता है, अनमैन्ड व्हीकल है ना। सो इनकी क्या था, इन पे आप एक्सप्लोजिव लगा सकते हो और इसको फ्लाई ऐसे करवा सकते हो ना, जिसको जिस टारगेट को आपको एक्सप्लोड करना है उसी टारगेट में ले जाके मारो उसको, ठीक है, तो वो यहीं पर टारगेट में जाके ब्लास्ट हो जाता है ये। नाउ हाउ डू कमिकाजे ड्रोन ओरिजिनेट? नाउ ये जो ड्रोन्स, नाम पता है किस टाइप का नाम आपको दिख रहा था, जापानीज टाइप का नाम नहीं दिख रहा है? जी हाँ, एक्चुअली इसका नाम ही डिराइव किया गया है फ्रॉम कमिकाजे पायलट्स ऑफ जापान, जो क्या World War II के दौरान क्या कर रहे थे ना, US के जो भी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना होता था वो लोग सुसाइड कर लेते थे काइंड ऑफ, ठीक है। सो दीज पायलट सुसाइड अटैक बाय इंटेंशनली क्रैशिंग देयर प्लेन्स फिल्ड विद एक्सप्लोसिव इनटू एनिमीज टारगेट, देख रहे हो। तो उसी लॉजिक पे बेसिकली कमिकाजे ड्रोन्स बनाए गए हैं। चाइनाज वुल्फ वैरियर डिप्लोमेसी, देखो अभी जो चाइना की दुनिया भर में डिप्लोमेटिक है ना, काफी ज्यादा हद से ज्यादा एग्रेसिव है, राइट। तो ये जो एग्रेसिव पोस्चरिंग है ना चाइना का, जो क्या इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफी ज्यादा टफ है, इस डिप्लोमेसी को हम लोग वुल्फ वैरियर डिप्लोमेसी कह रहे हैं। वुल्फ वैरियर डिप्लोमेसी ये एक अनऑफिशियल टर्म है जिसको यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब द एग्रेसिव एंड कन्फ्रंटेशनल स्टाइल ऑफ कैरिंग आउट डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, और एशिया कंट्री में भी देख लोगे तो इंडिया के साथ तो बिल्कुल इस्तेमाल कर रही है। नाउ ये टर्म को ध्यान दीजिएगा, इसको डेराइव किया गया था फ्रॉम 2015 चाइनीज मूवी, उन चाइनीज मूवी का नाम था वुल्फ वैरियर। उसमें पोर्ट्रे किया गया था बहुत ज्यादा हार्ड नेशनलिज्म इन द फेस ऑफ वेस्टर्न मर्सनरीज। तो वही लॉजिक कहीं ना कहीं अभी भी चाइना की सरकार वेस्ट की तरफ कर रही है क्या नहीं, इसीलिए इसका नाम दिया गया वुल्फ वैरियर डिप्लोमेसी। सवाल होता है बट क्यों चाइना इतना एग्रेसिव क्यों बन रही है? तो सबसे पहला तो एग्जाम रीजन है दैट चाइना में अथॉरिटेरियन सरकार है, राइट। मोर ओवर US के साथ जो चाइना का रिलेशन है ना, वो भी काफी ज्यादा डिटेरियोरेट हो रहा है। इनफैक्ट सवाल होता है दैट ये वुल्फ वैरियर डिप्लोमेसी जो है ये कैसे यूज किया जाता है? देखो इसमें क्या है ना, चाइनीज डिप्लोमेट जो है काफी ज्यादा हॉस्टाइल स्टांसेस लेते हैं होस्ट कंट्रीज में, सच एज नॉट शोइंग अप ऑन रिसीविंग द समन्स, मतलब उनको समन दिया जाता है दैट आप यू नो इस चीज के लिए जवाबदेही कीजिए, बट वो लोग जवाबदेही देते नहीं है, है ना। कुछ अगर गलती कर दिया उन्होंने तो उनकी अपोलॉजी नहीं मानते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड स्टांसेस देते हैं उस कंट्री में रहने के बाद भी। तो इस टाइप की चीजें बेसिकली की जा रही है। नेक्स्ट, दुर्गावती टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि मध्य प्रदेश के जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है ना, उन्होंने अप्रूव किया है एक नया रिजर्वायर ऑफ टाइगर, जिसमें ओवर 25% ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ना वो सबमर्ज कर दिया जाएगा, हमें पता है भाई केन बेतवा लिवंग रहेंगे, राइट। ये है केन, ये है बेतवा, केन से एक्स्ट्रा पानी बेतवा में ले जाना है। क्यों? क्योंकि बीच वाला जो ये बुंदेलखंड रीजन है ना, उसको आपको थोड़ा भिगाना है, राइट, वहां पे पानी पहुंचाना है। तो इसीलिए एक मेजर चंक ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये डूब जाएगा, इसीलिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कहा जा रहा है इस पन्ना टाइगर रिजर्व के जो शेर है उनको यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा जो क्या लिंक करेगी पन्ना विथ दुर्गावती, ठीक है। ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है ना, जैसे सोचिए एक ब्रिज है वो काइंड ऑफ, है ना, या फिर एक रास्ता है जहां पे पूरा ग्रीनरी एकदम जंगल टाइप रास्ता बना दिया जाएगा, है ना, और वो रास्ता स्पेसिफिकली इन जानवरों के लिए ही होता है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट, डेवलपिंग स्पेस इकोसिस्टम इन इंडिया, एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था रिसेंटली। अब किन के द्वारा रिलीज किया गया था? नो, दिस नॉट ऑफ योर कंसर्न, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दैट यस, इकोसिस्टम जो हमारा स्पेस इकोसिस्टम जो है ना वो काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है, इससे इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द वेरी फेवरेट कंट्री फॉर द वर्ल्ड, जिसके कारण वर्ल्ड इंडिया के पास आ रही है और अपनी वेरियस सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है।
इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिश स्टार्टअप है वन वेब, उनके 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट को लॉन्च करना है, उसके लिए हमारा GSLV Mark 3 इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। बट इसका नाम पता है चेंज कर दिया गया है टू LVM3, थोड़े मॉडिफिकेशंस करके। क्यों? क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे ना, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं किए जाएंगे, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही ये किए जाएंगे, बट उसको भेजा जो जा रहा है वो GSLV रॉकेट के थ्रू, इसलिए इस रॉकेट का ओवरऑल नाम ही चेंज किया दिया गया। अब ऐसा नहीं दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम इस टाइप के नाम चेंजेस किए जा रहे हैं, दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे रॉकेट होते हैं जिनके नाम चेंज करके यू नो कोई पर्टिकुलर मिशन को कैरी आउट किया जाता है, ठीक है। एनीवेज, इंडिया का स्पेस सेक्टर अगर देख लीजिएगा तो अकाउंट करता है फॉर ओनली 2% ऑफ द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, बट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इसको 8% तक पहुंचने को। इनफैक्ट इसरो जनरेटेड ओवर US इतना मिलियन रिजर्व रेवेन्यू, राइट। आप समझ सक रहे हैं बहुत ज्यादा रेवेन्यू यू नो बेसिकली इन्वेस्ट किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू डेटा सेंटर्स जिनका मिनिमम कैपेसिटी या 5 MW ऑफ IT लोड, इसको एलिजिबल किया जा रहा है बाई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। इससे फायदा यह होगा दैट फंडिंग आना इजी हो जाएगा। एक डेटा सेंटर होता क्या है पता है? ये एक बिल्डिंग होता है या फिर कोई एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड स्पेस होता है एक बिल्डिंग में ही, जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे और उसके एसोसिएटेड कंपोनेंट्स होंगे, जहां पर टेलीकम्युनिकेशंस स्टोरेज सिस्टम्स मिलेंगी आपको। प्रेजेंटली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज नियरली 500 MW इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज ऑफ डेटा सेंटर्स। इनफैक्ट इसकी अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो है अगर मिल गया इससे ईजियर एक्सेस हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स, मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट आना और भी ईजी हो जाएगा, दैट टू एट अ लोअर रेट्स एंड दैट टू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, समझो बात। लीड्स 2022 का सर्वे रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया है, और ये बेसिकली एसेस क्या करती है, लॉजिस्टिक के इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ह्यूमन रिसोर्स विच इज एसोसिएटेड इनडायरेक्टली टू लॉजिस्टिक्स कैसी है। तो लॉजिस्टिक्स होता क्या है, ये एक मैनेजमेंट है ऑफ द फ्लो ऑफ थिंग्स बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। मतलब आपने कोई एक रीजन में चीज को मैन्युफैक्चर किया, आप कंजम्पशन के लिए उसको भेजोगे ना दूसरे, तो किसके थ्रू भेजोगे, ये लॉजिस्टिक्स चीजों के थ्रू, ठीक है। अब इसको भी कैटेगराइज किया जाता है, इस जो लीड सर्वे 2022 रिपोर्ट है ना, इसमें कैटेगराइज किया जाता है रैंकिंग को इन द ऑन द बेसिस ऑफ अचीवर्स फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स। इनफैक्ट बेनिफिट क्या क्या है गुड लॉजिस्टिक का, देखो एक तो ये इंप्रूव करता है ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी ज्यादा इंप्रूव होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा इससे इंप्रूव होती है। रिकमेंडेशंस की अगर बात करें तो ड्राफ्ट स्टेट स्पेसिफिक लॉजिस्टिक पॉलिसी लाया गया है जो क्या इनलाइन है विद नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑफ 2022। इसके थ्रू डेवलप किया जाता है ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम इनलाइन विद ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल, ऑफ कोर्स इसके थ्रू इस्टेब्लिश भी किया जा रहा है डेडिकेटेड लैंड बैंक, जिससे बाद में जो लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स हो वो सब जिससे प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों MCQs में। कल के जो MCQ पूछा गया था, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, याद रखिएगा अक्टूबर 14 को किया जाता है हर साल, ठीक है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का क्वेश्चन है वुल्फ वैरियर डिप्लोमेसी, इट इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री, इसराइल अर्मेनिया रशिया या फिर चाइना। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखिएगा, विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।